तो हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा एक्वेरियम की डेकोरेशन से रिलेटेड। हम कह सकते हैं जैसा कि हम सबको अपने एक्वेरियम में रॉक्स रखना एक बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं एक्वेरियम में रॉक्स। हम और कोई डेकोरेशन भी ना करें, हम केवल सॉइल या पेबल्स के ऊपर हम रॉक्स डाल दें, थोड़े से कुछ प्लांट्स लगा दें तो भी वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। हम उनसे कई चीज़ें कर सकते हैं, रॉक्स से केबल्स केव्स बना सकते हैं, या फिर उन्हें डायरेक्ट हम यूं ही डाल दें तो भी वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हम इसे DIY रॉक्स भी कह सकते हैं एक्वेरियम के लिए, क्योंकि हमें इन्हें एक्वेरियम में डालने से पहले कुछ काम करने होंगे जिससे कि एक्वेरियम सेफ रॉक बने और एक्वेरियम में अच्छा भी लगे और कोई दिक्कत भी ना दे एक्वेरियम में। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको अपने पेबल जो रॉक्स मैंने कलेक्ट करे हैं वो आपको दिखाता हूँ, जैसा कि देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि अब आपको ये मेरे रॉक्स दिख रहे होंगे, मैंने बिल्कुल इन्हें क्लोज कर दिया है, अपने कैमरा को इनके पास रख दिया। जैसा कि अब आपको ये रॉक्स दिख रहे होंगे जो मैंने आज ही अपने एक्वेरियम में डाले हैं, ये मैंने पहले कुछ दिन साइकिल कर लिए थे, तो आज मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताऊँगा कि हम इन्हें कैसे साइकिल वगैरह कर सकते हैं, एक्वेरियम के लिए सेफ बना सकते हैं। दोस्तों, पहले तो अपने एक्वेरियम में आप सीमेंटेड रॉक्स या फिर वैसे रॉक्स ना डालें जैसा कि आपको ये रॉक्स दिख रहे होंगे। ये एकदम चिकने रॉक्स हैं दोस्तों, ये एकदम नेचुरल रॉक्स जिन्हें हम कहते हैं, ये वो वाले रॉक्स हैं। ये कोई ऐसे रॉक नहीं है कि सीमेंट के टुकड़ों से टूटे हुए के बने हों या फिर कोई चीज़ से, सीमेंट पुट्टी वगैरह से, ऐसे नहीं है, ये एकदम नेचुरल रॉक्स हैं। ये दोस्तों, जब मैं कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले अपने बैकयार्ड में कुछ काम कर रहा था प्लांट्स वगैरह का, जब मुझे ये रॉक्स मिले थे तो मुझे ये अच्छे लगे, तो ये मैंने कलेक्ट कर लिए। दोस्तों, आपको कलेक्ट करने के बाद ऐसे रॉक्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ऐसे रॉक्स लेने के बाद आपको इन्हें पहले तो अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप चाहें तो आप इन्हें सिर्फ सिंपल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा से या फिर वॉशिंग सोडा से, आप किसी से भी इन्हें अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद अगर आपने वॉशिंग सोडा वगैरह से क्लीन किया तो फिर से अच्छे से ओनली वाटर से, यानी सिर्फ वाटर से, साफ पानी से क्लीन कर लीजिए। फिर इन्हें आप एक बाल्टी वगैरह में, एक कंटेनर में पानी करके, वाटर करके, और इन्हें पूरे डूबे में और डाल दीजिए अच्छे से। और उस वाटर में आप चाहें तो आप उसमें थोड़ी सी एंटी क्लोरीन वगैरह भी डाल सकते हैं, इससे ये और अच्छे से साइकल्ड हो जाएंगे एक्वेरियम के लिए रॉक्स, और आपके एक्वेरियम में कोई दिक्कत नहीं देंगे। आप सीधे एक्वेरियम में इन्हें डालिए, आपके एक्वेरियम में ये कई सारी दिक्कतें कर सकते हैं, सीधे डालने से फिशेज को कई दिक्कत हो सकती है। जैसे आप इन्हें पहले, जैसे मैंने अभी प्रोसीजर बताया, तो आप ऐसे डाल लीजिए इन्हें, कम से कम 5-10 दिन तक आप इन्हें ऐसे ही डाली रहने दीजिए, साइकिल करिए। फिर ये आप इन्हें अपने एक्वेरियम में अपनी डेकोरेशन देखते हुए अच्छे से डाल सकते हैं इन्हें। दोस्तों, बेसिकली वैसे तो प्लांट्स के आगे, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला जो मैंने लगा रखा है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये तो दोस्तों मेरे एक्वेरियम रॉक्स ही हैं, एक्वेरियम शॉप से लिए थे, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कोई, दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो अभी लगाएं ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्योंकि ये एकदम नेचुरल लुक दे रहे हैं, बल्कि वो एकदम ऐसे नेचुरल लुक नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आप इन्हें कई तरीके की डिज़ाइन से लगा सकते हैं, मैंने डिजाइन से ही लगाए थे लेकिन मेरी फिशेज बड़ी हैं तो उन्होंने घेर दिए। तो आप इन्हें पेस्ट करके भी लगा सकते हैं, पेस्ट करने में आप ध्यान रखें या तो सिलिकॉन का यूज करें या फिर एक्वेरियम ग्लू, वाटर ग्लू जो आते हैं आप वो यूज करें, आप नॉर्मल फेविक्विक वगैरह यूज ना करें, वो वाटर में छूट जाता है और फिर वाटर में मिक्स हो जाता है। आप हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद आपका छूट जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर था। सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अब तक सब्सक्राइब करना है, इससे कि मेरे अपलोड्स मिलते रहें, जैसा कि मैं जल्दी जल्दी अपलोड्स डालता रहता हूँ। ये जो रॉक्स आपको दिख रहे हैं ये कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, साइकिल करे बिना रॉक्स को ना डालें, और मिट्टी वगैरह जो भी इन पर लग रही हो उसे अच्छे से छुड़ा दें। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
वीडियो को पूरा ही देखना, स्किप कर चुके हो तो दोबारा देख।